सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ, चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिस संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। अधूरे मन में मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। सबसे बड़ा अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को असफलता से घबराना नहीं चाहिए। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। आज का पंचांग 4 मई 2023 दिन गुरुवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्र नामक नक्षत्र रात्रि 9:35 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:54 से 3:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 11:50 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर 9:20 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 2023 दिन गुरुवार, आपको आज बहुत सारी गलत जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए औरों के सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और अपने नजरिए के आधार पर देखिए तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपकी बहुप्रतीक्षित छुट्टी जल्द ही मिलने वाली है। अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा। किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना है तो तुरंत फैसला लें। मन की दुविधा का समाधान मिलेगा। थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताने से उनका मनोबल भी बढ़ेगा। प्रयत्न करने के बाद भी परिस्थिति में बदलाव न होने से दिक्कत हो सकती है, संयम बनाए रखें। फिलहाल जो बात आपके लिए महत्वपूर्ण है उसमें सुधार करना आवश्यक होगा। भविष्य से जुड़े जिद ना करें। व्यक्तिगत जीवन में कई बदलाव नजर आएंगे। करियर में सही विकल्प चुनेंगे। इस समय आपके प्रयत्न कम हैं, इस बात पर गौर करें। पार्टनर को आपके लिए चिंता हो सकती है। सेहत में आ रहे बदलाव पर ध्यान दें। आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक खर्चे भी बढ़ सकती हैं, ध्यान रखें। आज कार्य बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी में किसी की सहायता से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। सावधानियां, आमदनी के साथ खर्चा भी बढ़ सकता है। आलस के कारण अपना नुकसान करवा सकती हैं। नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। युवा लोग घूमने फिरने में समय बर्बाद ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के मामलों में बाहरी इंसान का दखल ना होने दें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगे। आप इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। आज सारे राज उनके सामने खोल दें और अपनी चिंताएं भी उन्हें स्पष्ट बता दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आ जाएगी और आप दोस्तों तथा एक जोड़े के रूप में भी और करीब आ पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो कि विस्तार पूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, जो कि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आज का दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। बिजनेस में चुनौतियां रहेगी। जिन कामों को आप आसान समझ रहे थे वो मुश्किल रहेंगी। ऑफिस के कागज संभाल कर रखें। बात करती हैं सेहत की। बदन दर्द और थकान जैसी स्थिति रहेगी। थोड़ा समय कसरत और योग के लिए जरूर निकालें। आप में अपने करीबियों के लिए अपना जीवन अर्पण कर देने तक की ताकत है। इस भावनात्मक जोश की ऊर्जा को खुद अपने शरीर के भले के लिए प्रयोग
प्रयोग करके देखें, क्योंकि इसे भी तो आपके प्रिय की सूची में आना चाहिए। अपनी सब जरूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि शरीर के प्रति प्यार जाहिर करने का यही एक तरीका है। शरीर ही ठीक नहीं होता तो आपके पास करीबियों को अर्पण करने के लिए जीवन भी नहीं होगा। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, आज शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।